नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कार्लो.इन प्रेजेंट सैटरडे स्टार्टअप। मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक हम लोग मिले मिस्टर सुब्रज्योति भरत से, जिनके लाइफस्टाइल के बारे में की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। हमारे आज के गेस्ट ने 1996 में श्याम बेनेगल जी की मूवी सरदारी बेगम से अपना डेब्यू किया। किरण खेर जी और अमरीश पुरी जी के साथ इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया। 2011 में इम्तियाज अली जी की मूवी रॉकस्टार में खटाना भाई का रोल करके इन्होंने हम सभी के दिल जीत लिए। फिर क्या था, एयरलिफ्ट, थप्पड़, टाइगर जिंदा है, सुल्तान, एमएस धोनी जैसी हिट मूवीज करके इन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम रोशन किया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग द वेरी डाउन टू अर्थ एंड अ जॉय टू बी वर्किंग विद मिस्टर कुमुद मिश्रा। Let's connect with him. सर आज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत अच्छा लगा कि आप हम लोगों के साथ जुड़े एंड वी आर जस्ट वेरी थैंकफुल टू यू। आपने इतने बिजी शेड्यूल में अपना टाइम निकाला, आपके बहुत अच्छे अच्छे रिलीजेस आ रहे हैं एंड यू आर डूइंग सच फिनोमिनल वर्क एंड आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक यू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया सर। आप जैसे थिएटर से आपने बहुत सारा थिएटर में काम किया है एंड नाउ यू आर रॉकिंग इट इन द फिल्म इंडस्ट्री, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट हैज बीन द गाइडेंस ऑफ थिएटर ऑन यू? थिएटर का अपना रोल है, मतलब थिएटर को मैं हमेशा मैं अलग एक विधा की तरह देखता हूँ, सिनेमा को अलग विधा की तरह देखता हूँ। तो थिएटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा सिनेमा में कितना बड़ा योगदान रहा है क्योंकि दोनों जगह मैं अभिनेता हूं, तो जाहिर है एक का जो एक विधा का जो टैलेंट है वो छन के दूसरे में आता ही होगा, लेकिन थिएटर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसी तरह से सिनेमा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो भी आप आर्ट कर, जो भी कला, जिस कला का भी आप हिस्सा है, वो आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर छोड़ता है, जिस तरह आपका जीवन उस पर असर छोड़ता है आपकी कला पे। तो या मतलब मजेदार रहा है, काफी योगदान रहा है मतलब थिएटर का। वो एक मेरे लिए उसने एक जमीन तैयार की है जहाँ जहाँ पे जहाँ से मुझे किसी और स्पेस में जाने में उतनी घबराहट नहीं होती जितनी संभवतः किसी को होती होगी, या हालांकि घबराहट तब भी है, फिर भी है। सर अभी हमने अभी कुछ समय पहले एक काफी दुखद इंसिडेंट हुआ, सुशांत सिंह राजपूत जी हमारे बीच नहीं रहे सर। उसके साथ साथ ही एक नेपोटिज्म पे बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई है अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द कंट्री। सर कोई ऐसा इंसिडेंट कभी आपने फील किया कि आपके साथ नेपोटिज्म का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो? डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट? नहीं, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ है और मैंने जब भी काम किया है और अगर ठीक काम किया है तो लोगों ने स्वीकार किया है। और ये असल में आपके काम को स्वीकार करने की पहली शर्त होती है कि जनता आपको स्वीकार कर पाती कि नहीं, आप खुद को स्वीकार कर पाते हैं नहीं एज अ परफॉर्मर। तो मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं है, मुझे इंडस्ट्री ने वो सारी चीजें थी जो मतलब मुझे चाहिए थी और जब चाहिए थी मुझे मिली, तो मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है ये। और नहीं, मैं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी शिकायत होनी भी चाहिए। आप काम कीजिए, ये प्रोफेशनल दुनिया है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से काम करेंगे और हर आदमी की कोई आदर्श स्थिति बना करके काम नहीं कर सकता है। संघर्ष होगा, आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, किसी को कम संघर्ष करना पड़ता है जी। लेकिन जब जब सबका हिसाब लिया जाता है तो संघर्ष असल में सबका उतना ही बड़ा हो जाता है, प्रकार अलग हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको काम पे ध्यान देना चाहिए, सबको काम पे ध्यान देना चाहिए
और आपने ना एक बड़ी बहुत ही मोटिवेशनल मूवी की थी एयरलिफ्ट, जिसमें आपने रियल लाइफ संजीव कोहली जी का रोल प्ले किया था एज अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उसमें मतलब उसका ये क्रेडिट है कि 170,000 लोगों को उन्होंने एयरलिफ्ट कराया था। सर बड़ा आई एम श्योर बड़ा पैट्रियोटिक आपको फील हुआ होगा ये रोल करते हुए, तो हाउ डीप डज पैट्रियोटिज्म गो विद यू? आई थिंक ये जो देशभक्ति की जो पूरी जो चर्चा है, ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करने के लिए की हुई है। मुझे अपने आप को देशभक्त प्रूव करने के लिए 50 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ा है। मैं हमेशा देशभक्त रहा हूँ, और हर आदमी जो इस देश में रहता है वो उतना ही बड़ा देशभक्त है, कोई देशद्रोही नहीं, हर आदमी देशभक्त है। हर आदमी जो झाड़ू लगाता है से लेकर, जो मेड घर में काम करती है से लेकर, जो फौजी सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं, जो अभिनेता हैं, हर आदमी जो इस देश के लिए काम कर रहा है, इस जमीन पर रहता है, उतना ही बड़ा देशभक्त है। सो ये टर्म ही मुझे जो है ना, जिसको जहाँ पे ये बताया जाए कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ, या मुझे प्रूव करना पड़े कितना बड़ा देशभक्त हूँ, तो ये उन लोगों के ये उन लोगों की बेवकूफ़ी है जो ये सवाल पूछते हैं कि आपका देशभक्ति के बारे में क्या देशभक्ति को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ना, पूरी दुनिया खुल रही है और हम देशभक्ति, यस ऑफ कोर्स, आप अपने देश के लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, आप वही चीज़ें कर रहे हैं जो देश को, आप सबसे पहले अपने लोगों को मारना बंद कीजिए, वो देशभक्ति है। आप ये जो भाषा का जिसको कहते हैं धर्म का, जात का, ये सारे जो विभाजन, इसको खत्म कीजिए, ये देश का हिस्सा है, तब देशभक्ति होती है। देशभक्ति इस बात से नहीं होती है कि आप लोगों को फोर्स करें कि वो जंगन मन गाएं, देशभक्ति ये नहीं हो सकती है कि आप लोगों पर सवाल उठाएं बार बार। आपके पास मौका आएगा, आप दिखाएंगे, और मौका क्या आएगा, हम रोज कर रहे हैं भाई, रोज। एक आदमी जो नाला साफ कर रहा है, एक सुतर है, एक आदमी जो सड़क पे झाड़ू ला के सड़क साफ कर रहा है, एक आदमी जो रेस्टोरेंट में काम करके लोगों को भोजन खिला रहा है, वो सारा उसी का हिस्सा, उसी देश निर्माण का हिस्सा है। तो देश का निर्माण कोई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं एक टर्म में मैं एक शायरी बोल दूं, एक कविता बोल दूं, और एक नारा लगा दूं तो उससे मैं देशभक्त हो जाऊंगा, या मैं तिरंगा लेकर के सड़क पर निकल जाऊं। तिरंगा आपके हृदय में है, देश आपके हृदय में है, जिस तरह ईश्वर आपके हृदय में है। सो अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो और अगर आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप ह्यूमैनिटी पर विश्वास करते हैं। मुझे असल में ये प्रमाण देने से दिक्कत है, वो प्रमाण मैं रोज दे रहा हूँ। वो प्रमाण अगर मैं देना शुरू कर दूंगा तो मैं जाहिर है मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। मैं जब मौका आएगा तो हम हैं खड़े हैं, तो रोज कर ही रहे हैं देश के लिए काम। एक्सेलेंट सर, ये एक्चुअल मायना है कि मतलब लोगों ने यही बना लिया है कि भाई पहले दिखा दो कि तुम देशभक्त हो। पीपल आर एक्चुअली आस्किंग दीस डेज कि भाई तुम्हें देशभक्त, हाँ कैसे दिखाओगे आप, किसको दिखाओगे? सही बात, कौन है वो अथॉरिटी जो मुझसे पूछेगी कि आप देशभक्ति अपना प्रमाणित कीजिए? उसका एक एग्जाम रख लीजिए ना, सिंपल सी बात है। देशभक्ति का एक एग्जाम रखिए, करिकुलम में डाल दीजिए जी, ये 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 सवालों पे अगर आप खरे उतरे तो आप देशभक्त हैं, नहीं तो आप देशभक्त नहीं है। तो ऐसा एक आपके एजुकेशन सिस्टम में ये भी एक देशभक्ति का भी एक चैप्टर डाल दीजिए, तो फिर ये सारे सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लोग वही प्रमाणित कर देंगे। हम क्यों शक करते हैं एक दूसरे पे कि मैं ये देशभक्त नहीं, हम अपनी बात नहीं करते, हम दूसरों की बात करने लगते हैं कि ये देशभक्त है कि नहीं। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा नहीं है। हमारी सेना है, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं, सारे लोग असल में उसी देश के निर्माण में काम कर रहे हैं, देश को बनाने में काम कर रहे हैं। तो ये उन पे शक करना, बैंक कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, कितने प्रोफेशन, सारे प्रोफेशंस इनफैक्ट, तो वो जब काम कर रहे हैं तो देश के निर्माण में ही काम कर रहे हैं, है ना? तो ये संदेह करना कि कौन बड़ा देशभक्त है
ये सवाल थोड़ा सा मुझे मुझे लगता है कि इसकी इतनी जरूरत है नहीं। देश चल रहा है और अच्छा चल रहा है, अद्भुत चल रहा है, अद्भुत देश। सही बात जी जी। कभी कभार जैसे आपने एक बड़ी बढ़िया पिक्चर की थी सुल्तान, जिसमें आप अनुष्का शर्मा जी के पिताजी का रोल किया था, उसमें आपने काफी एनकरेज किया था रेसलिंग के लिए भी, एंड कैसा कुछ आप क्या एनकरेज करते हैं या कुछ ऐसा सोचते हैं भाई बड़ा होकर कबीर भी कुछ ऐसा कुछ करे? व्हाट डू यू एनकरेज कबीर? किसी चीज के लिए मैं एनकरेज नहीं करता, अभी तो वही मुझे एनकरेज कर रहे हैं। अच्छा। अभी तो वही मुझे 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 मेरी क्लास लगी रहती है कि तो मेरे मुझे मैंने अपने मतलब उन्होंने मुझे ऐसा फंसाया हुआ है कि एक टारगेट दिया है उन्होंने और मैं उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने चैलेंज मैंने चैलेंज लिया जो कि उन्होंने इशारे से डाल, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जब जब मैं उनके ऊपर सवाल खड़े करता हूँ तो उल्टे सवाल भी आते हैं आपके ऊपर। तो आपको पहले उन सवालों का जवाब आपको खोजना पड़ता है जो आ रहे हैं। इनोसेंस भी होती है तो उसका जवाब एकदम सीधा आंसर आता भी नहीं है। नहीं आता। आपके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है, तो आप असल में मैं वो छोटे हैं तो वो अभी अपना बचपन जी रहे हैं, एंड मेरी उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई भी किसी तरह की अपेक्षा नहीं है। हम कैसे माँ बाप हैं इस पे रोज मंथन चलता रहता है, इंट्रोस्पेक्शन चलता रहता है कि आप कितने सफल हो रहे हैं पिता की तरह माँ की तरह, और वही 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 जंग है, तो वो तो हम या वही लड़ाई चल रही है। बाकी अभी मुझे उन्होंने एक टारगेट दिया है तो पहले मैं उसको पूरा करूं फिर तो मैं उनको टारगेट दूं, तो मैं तो जैसे मैं उनके ऊपर सवाल उठता हूं मेरे ऊपर आ जाता है, तो अच्छा। मेरी लड़ाई शुरू हो जाती है कि चलो भाई मैं ही कर लेता हूं पहले। तो अभी मेरे पास 3 महीने का काम वो दे चुके हैं असल में। अच्छा। तो मैं 3 महीने बिजी रहने वाला हूँ। हाँ तो सर, वो जब जब आप जैसे सेट पे भी आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एक टाइमलाइन चलती है, या तो घर पे भी चल रही है फर्स्ट क्लास, और इस वाली टाइमलाइन पे तो आप मना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो भी नहीं मना कर सकते जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की होती है, वो भी नहीं मना कर सकते। बट ये मतलब होती है क्योंकि ये 24 घंटे ये तो खैर ये तो जीवन भर का है, और अभी तो आपके पास कोई ये भी नहीं है कि बहाने मार सको। आप घर पे हैं तो आपको डेली आपको एक उदाहरण सेट करना पड़ता अपने बच्चे के लिए, या और आप फेल होते रहते हैं। ये। अब हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है, वन वर्ड वन लाइन आंसर। Are you ready? हाँ, बहुत निराश होंगे पर चलिए। ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट। सर, चाय या कॉफी? कॉफी। अभी आपके इसी वक्त फोन का वॉलपेपर क्या है? मेरा बेटा। क्या बात, वो आई थिंक वो इसलिए भी होगा क्योंकि आपको टारगेट मिला हुआ 3 महीने का। जी सर, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर मी थिएटर इज लाइफ। व्हाट्स योर फेवरेट कुजीन? दाल चावल। अच्छा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, अरहर की दाल या दाल मखनी? अरहर की दाल। अरे सर, क्या बात क्या बात। वन थिंग यू आर रियली प्राउड अबाउट योर सेल्फ, वन वर्ड। आई एम अ गुड मैन। वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट। यस यस यस। अच्छा, व्हाट्स योर परफेक्ट संडे आफ्टरनून लाइक? आप भूल गया मैं वो असल में वो नहीं, संडे आफ्टरनून तो खत्म हो गया जीवन से, सारे संडे आफ्टरनून है। सो या सो एनी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, नेशनल इंटरनेशनल? नो, मतलब बीचेस या माउंटेन? माउंटेन माउंटेन। ओके, वन फेवरेट को एक्टर दैट यू लव्ड वर्किंग विद? That's it's a difficult question because आप कैसे कह सकते हैं फेवरेट, because
आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप जो मोमेंट होता है उस मोमेंट पे अद्भुत चीजें निकलती हैं जी। और जिस समय जिस एक्टर के साथ जो अद्भुत मोमेंट, जैसे रणबीर कपूर के साथ वो वाला सीन है, वो उनके बगैर हो नहीं सकता था। आयुष्मान के साथ एक सीन है, उनका मनोज पावा के साथ सीन है आर्टिकल में जी। मतलब ये तो असीम दुनिया है, तो इसको एक शब्द में बांध पाना ज्यादती हो जाएगी, बिकॉज आपने इतना कुछ पाया है उन एक्टर से, और वो उसमें कोई मेन रोल नहीं होता, उसमें आप छोटा मोमेंट किया है, छोटा सीन किया है, लेकिन उस सीन आपके जीवन में इतना बड़ा हो जाता है, एक अभिनेता के तौर पे इतना देख के जाता है, तो वो ये थोड़ा सा या थोड़ी ज्यादती हो जाती है कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये चुनूं जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, one role from the 80s that you dream ki kaash main kar pata। nahi jo kaam maine jaise aapne kaha ki matlab aise to gabbar ka role nahi kya hai ki dekhiye jo kaam aap dekhte hain aur jo kaam aap admire karte hain, wo kaam admire isliye karte hain ki usme aap ek tarah ki sampurnata dekhte hain ji, hai na ji। तो वो मैं उस तरह की उद्दंडता नहीं करूंगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो काम आपके पास आ रहा है आप उसको उस स्तर पे ले जाने की कोशिश करें जो रेफरेंस बन सके आपके लिए, आपके अपने लिए, कि आपका ये रेफरेंस है काम का, और वो बड़ा मुश्किल काम है। तो जो 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 मास्टर्स कर गए हैं, जो हमारे गुरुजन कर गए हैं, जो सीनियर्स कर गए हैं, वो तो, और वो आप देख करके वो उससे आप सीख पाते हैं, मतलब आप वो मैं कर पाऊंगा। मैं तो पहली बात तो इसका भी बहुत बड़ा फैन ही हूँ कि जो हम रीमेक्स करते हैं फिल्मों का, उसका भी मैं बहुत दीवाना नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उसका अपना एक वो रस है, जो आप जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका अर्थ बदलता जाता है आपके लिए, उसी कृति का, उसी फिल्म का, उसी परफॉर्मेंस का अर्थ बदलता जाता है, तो वो अद्भुत चीज़ है। हम उसको जब भी ऐसी कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, अनलेस कि आपके पास उस कहानी में कुछ नया कहने के लिए है तो। ओके, सो दिस वाज एक्चुअली वन वर्ड वन लाइन आंसर्स। वी हैव विद अस मिस्टर कुमुद मिश्रा। सर एक बात बताइए, आपके अभी हमने एक पीछे इंटरव्यू में ना सुना था कहते हुए कि योर फादर इज योर आइडल जी। उन्होंने मतलब वो कहते थे कि भाई मुझे कोई नहीं जानता, और ही वाज लाइक एक डिग्रीज अपने बताते थे कि कैसे मैं, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई मेरे फादर मेरे डिग्रीज बताते थे। सर हाउ वुड यू वांट टू बी नोन एज? नो, आई एम फाइन विद द वे आई एम। मतलब मेरी मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, एम्बिशियस नहीं हूँ, और मैं बहुत मैं घर घुसरा आदमी हूँ, मैं घर में अंदर रहना पसंद करता हूँ, मैं बहुत सोशली बहुत एक्टिव आदमी नहीं हूँ, मेरे बहुत ही लिमिटेड एक छोटा समूह है मित्रों का, तो उनके साथ उठना बैठना पसंद करता हूँ, काम करता हूँ और काम की सराहना मिलती है वो अच्छा लगता है, तो बस उतना ही होता रहे। आप ठीक काम करते रहें और अगर अच्छा करें तो सराहना मिले, अगर बुरा करें तो आपको मतलब लोग उस पर भी प्रतिक्रिया दें जिससे कि आप उसको बेहतर कर सकें। बस मैं कैसे जाना चाहता हूँ, आई थिंक ये जो है ना, ये अमर होने की जो एक लालसा है ना कि मैं जब नहीं रहूंगा तो लोग, आप चले जाओगे तो आप चले जाओगे, आप क्यों इस मुगालते में रहेंगे कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे मिस करेंगे, लोग मुझे ऐसे याद करेंगे। नहीं, जो आप काम कर रहे हैं, जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, वही सच है और उसी पे विश्वास कीजिए, मेरे लिए मैं ये मानता हूँ। और जब तक मैं यहाँ पे हूँ उसको मैं कितना सार्थक तरीके से जीवन को और काम को जी पाता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं उसकी अपनी कोई विरासत छोड़ पाता हूँ कि नहीं छोड़ पाता हूँ उसकी चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतनी बड़े बड़े लोगों की विरासत है कि हम उन्हीं को अगर हम रेफरेंस पॉइंट बना के अपना जीवन और अपना काम सुधारना चाहें तो बहुत है मटीरियल, तो कोई दुनिया मिस नहीं कर रही है। इतने दार्शनिक हुए हैं, इतने थिंकर्स हुए हैं, इतने स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं, उसके बाद भी हम इतने गर्त में हैं इस समय एक समाज के तौर पर, तो ये महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जितना समय है वो बेहतर तरीके से।
जी। अच्छा सर, लाइटर नोट पे एक सवाल और पूछूंगा, आपका और आयशा मैम की केमिस्ट्री हमने कई बार इंटरनेट पे अलग अलग सोशल मीडिया पे देखी है, आप पहली बार कहां मिले उनसे? पहली बार मैंने उनका प्ले देखा था करोड़ों में, एक मकरंद देशपांडे जी का नाटक है वो, बहुत अच्छा नाटक। तो उसमें वो परफॉर्मेंस, मुझे किसने कहा था कि उसमें एक अभिनेत्री हैं और वो बहुत बेहतरीन काम करती हैं, आप जाके देख लीजिए। तो मैं वो नाटक देखने गया था और मैं थोड़ी उस एरोगेंस से गया था, जैसा कि होता है कि यार कौन आपको लगता है आपकी सबसे अच्छे हैं और कौन करेगा अच्छा काम। और जब मैंने उनको मंच पे देखा काम करते हुए तो वो सचमुच अद्भुत था, मतलब काम। तो अब ये भी अगर सबने डिफाइन करने वाली बात है तो ये भी मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं नाटक के बाद गया ग्रीन रूम में, मैंने उनको बधाई दी, ये मेरी तरफ से था। और अगर कहीं कुछ आकर्षण रहा होगा तो वो उस समय तो मुझे नहीं पता था, या पता होगा तो शायद मैं प्रकट नहीं करना चाहता था। वही था सर, वही था मेन रीजन, वही था। वैसे आजकल घर में बॉस कौन है, लॉकडाउन तो चल रहा है तो आज हम देख रहे हैं आजकल सब लोग ही बर्तन भी साफ कर रहे हैं, सफाइयां भी खुद कर रहे हैं, तो आजकल घर में बॉस कौन चल रहा है, मैम चल रही है या आप? हमारे यहाँ कोई बॉस नहीं है, हम असल में चाहते हैं कि कोई बॉस हो। हाँ, और चूंकि एक कन्वेंशन वो बन गया है कि कोई बॉस होना चाहिए, तो सैडली ऐसा नहीं है। हम लोग मतलब कुछ काम मेरे हिस्से है और कुछ काम उनके हिस्से है। अच्छा। और ये हो रहा है, और कई बार मैं आलस करता हूँ तो वो टेक ओवर कर लेती है, कई बार वो आलस करती तो मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, और फिर हमारा बच्चा भी है वो भी हिस्सा बटाता रहता है काम में। हाँ, I think तो, मुझे ये लगता है आपकी बात से कि I think कबीर is the boss of both of you। चलो काम कर। Yes, of course. नहीं, of course, वो मतलब बच्चा, मतलब कबीर के साथ ऐसा है कि आपका पूरा जीवन उनके इर्द गिर्द घूम रहा है ना, जी, तो बॉस तो वही है आपका, आपका आपकी आपकी पूरी जो एग्जिस्टेंस है, आपका आपका बेटा या बेटी होने के बाद आप पूरी एग्जिस्टेंस उनके आसपास घूमने लगती है, तो जाहिर। सर, द बिग बुल आपकी लेटेस्ट कुछ काम आ रहा है, दैट वी ऑल नो एंड इट हैज स्टार्टेड डूइंग द राउंड्स, क्या इसमें आपका कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जिसमें क्योंकि आपके इंटरनेट राउंड्स पे आपका भी नाम आ रहा है द बिग बुल में? मुझसे क्यों नहीं पूछा इन लोगों ने, मैं तो घर बैठा हूँ खाली। मैं तो खाली बैठा हूँ इंतजार में कि कोई फोन की घंटी बजेगी और मुझे कोई उठा लेगा और वेब सीरीज के पर्दे में हैं मैं छा जाऊंगा, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, अब ऐसा मेरे पास कोई ऑफर अभी तक आया नहीं। ऐसी कोई, हाँ अगर आएगा तो जाहिर है उस पर हम विचार करेंगे। एक काम बहुत बेसब्री से इंतजार है जो अभी आने वाला है, प्रॉब्ली शायद जुलाई में आ जाएगा। एक फिल्म हमने की थी राम सिंह चार्ली, नितिन कक्कड़ इसके डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्मिस्तान बनाई है। हाँ जी, तो जी, तो उनकी फिल्म है ये, और ये हम सब की बहुत ही एम्बिशियस फिल्म है। हम लोगों ने बहुत खून पसीना किया इस फिल्म को बनाने में, हालांकि सारी फिल्मों में लोग ये करते हैं, पर ये फिल्म जब आप लोग देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट फिल्म है ये, मेरे लिए एक अभिनेता के तौर पे और हम लोगों के लिए टीम के तौर पे और कहानी, और तो इसका जरूर इंतजार है। फिलहाल तो इसका इंतजार है बेसब्री से कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है। सर, आपकी फिल्म का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा जाता है, हम सब जानते हैं ये, मतलब मैं क्योंकि आपका खुद भी फैन रहा हूं तो मुझे पता है आपकी फिल्म का हमेशा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा जाता है। फ्रॉम अगर जैसे हम बात करें, जैसे यू स्टार्टेड ऑफ इन विद सरदारी बेगम, एंड उसके बाद एक बार जो आई थिंक मेजर ब्रेक हुआ वो रॉक स्टार में हुआ, एक आधा इंटरव्यू में आपने ये भी बोला था कि भाई मैं थिएटर के बाहर भी खड़ा हो गया था ये देखने के लिए कोई पहचानेगा कि नहीं। वो असल में उस समय मुझे इंटरव्यू देना भी नहीं आता था, तो मैं बहुत चीजें मजाक में कहता था, बहुत मजाक में कहता था, क्योंकि मुझसे जब भी कोई सीधा सवाल पूछा जाता था तो मैं उसका जवाब ना देके मैं कुछ और ही बोल देता था।
अच्छा। अब मुझे रियलाइज हुआ वो मैंने असल में मजाक में कहा था, बहुत ही मैंने कि मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं, ये मजाक था। टेक्नोलॉजी जो है ना वो सर्कुलेट करती ही चली जाती है। तो अब ये दो चीजें हैं जो दो वाक्य जो मैंने अपने जीवन में कहे थे, जो जिसका मुझे पूरे जीवन भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने असल में मैंने वो बातें कही थी, उसके बाद मैं उसमें हंसा भी था और अच्छा। मैंने कहा भी था ये मजाक है, लेकिन वही चीजें हेडलाइन बनी है असल में। तो जब भी मुझसे पूछा जाता है बोलता हूँ भाई ऐसी बात नहीं, मतलब हाँ ऑफकोर्स लोगों ने अगर पहचाना नहीं था तो इस वजह से नहीं कि वो कैरेक्टर, इस वजह से कि मेरी सेहत ऐसी थी, मतलब और मैं इतने बड़े ब्रेक के बाद आ रहा था। तो उसे हम डैमेज कंट्रोल कर देते हैं, दिस इज फॉर रिकॉर्ड फॉर एवरीवन वाचिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने मजाक किया था। जी मैं कभी हॉल के बाहर जाके खड़ा नहीं हुआ कि मुझे तो स्क्रीनिंग जो होती है फिल्म की उसमें जाने में झेप होती है, तो मैं फिल्म के बाद में अपनी तारीफ सुनने के लिए हॉल में खड़ा हो जाऊं ये तो असंभव बात है। तो मैंने मजाक किया था मैं, और मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैं मूंछ भी लेके गया था और मैंने मूंछ भी लगाई कि लोग पहचान ले, लेकिन लोगों ने नहीं पहचाना, ये भी मजाक था। तो उसको बहुत गंभीरता से छाप दिया गया था। सोशल मीडिया पे सर थोड़ा सा एक्टिव हुई है, सारे लोग बहुत ईगर हैं, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर आपका इंस्टाग्राम हैंडल नहीं मिल रहा है। तो आजकल ये सारी टेक्नोलॉजी है, आई थिंक आपको भी सर थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं कितना हो पाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है अभी अभी शुरुआत की है, तो अभी तो मतलब मोबाइल समझने में ही आधा जीवन निकल गया, अब देखते हैं आगे कहाँ तक बात जाती है। हाँ तो मतलब अभी कहीं फंस जाऊंगा, आवाज चली जाएगी तो बेटे को बुलाना पड़ेगा, विजुअल चला जाएगा तो बेटे को बुलाना पड़ेगा जी। तो या सो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक बात जाती है, कहाँ तक पहुंच पाएंगे, कोशिश से तो सर सब कुछ हो जाता है। जी Any message you want to give to your fans and people who are actually little अभी थोड़ा सा lockdown में भी काफी लोग हताश निराश हो गए हैं, कुछ ऐसा एक motivational message आप देना चाहेंगे अपने fans के लिए और सभी youth के लिए? कोई संदेश नहीं असल में, ये जो मुझे लगता है मैं क्या संदेश दूंगा, मतलब कोई भी क्या संदेश देगा, सब इतने aware हैं, यूथ अपने आप में हमसे ज़्यादा अवेयर है चीज़ों को लेकर, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, तो और उनको जीवन कैसे जीना है और क्या रास्ता चुनना है सारी चीज़ उनको पता है। एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को उसका सम्मान करें, वायलेंस से बचें, किसी भी तरह के वायलेंस से, चाहे वो शब्दों के का वायलेंस हो, साइलेंस का वायलेंस हो या एक्शन का वायलेंस हो, किसी भी तरह के वायलेंस से बचें। अगर वो कर पाते हैं तो हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वहीं दे देंगे, और धरती साफ रखें जितनी साफ रख सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही नीरस सा ये वक्तव्य है, इसको लेकर के लोगों को लगे अरे यार कुछ इंटरेस्टिंग बात कही नहीं, तो इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ है कहा गया है, तो उसके लिए मेरी जरूरत है। पर हाँ किसी भी तरह के वायलेंस से दूर रहें। So I think आज का यूथ के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे का फ्यूचर उन्होंने बनाना है। यूथ से ज्यादा जो 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 उनके पहले की जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, हमारे फादर की जनरेशन है, हम लोगों को असल में उससे बचना है। हम लोग ज्यादा जिसको कहते हैं कि हम दकियान मुसी हैं, तो असल में तो हमें हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। यूथ तो अपना रास्ता निकाल लेगा, यूथ तो, और हम ही एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, हम जो चर्चा घर में करेंगे वही तो मेरा बच्चा लेगा ना। करेक्ट। तो अगर हमारी ही चर्चा गलत है, हमारी ही बहस गलत है, हमारा ही संवाद गलत है, तो हम यूथ पे क्या हम आरोप करेंगे। तो हम यूथ के लिए घर पे जमीन तैयार कर रहे हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग घर पे सही जमीन तैयार करें अपने बच्चों के लिए। करेक्ट। बाकी तो खैर ठीक है, बाकी सब समझदार ही। सर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इतना मजा आया इस इंटरव्यू में, एवरीबडी हैज लव्ड इट, इतने कॉमेंट्स आ रहे हैं, लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया वीडियो, एंड वी आर होपिंग कि आपके आगे के प्रोजेक्ट्स भी सुपर हिट एंड सुपर सक्सेस आपको भी दें, और ऑफ कोर्स हम लोगों को आपको देखने का मौका मिले तो हम लोग मतलब सबको ही ज्यादा बहुत मजा आता है आपका सारे ही काम देखने में। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो दिस वॉज मिस्टर कुमुद मिश्रा, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। इन कॉन्वर्सेशन विद मी सुजय गुप्ता ऑन Carlo.in प्रेजेंट्स सैटरडे स्टारडम। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट अगले हफ्ते एक और बहुत अच्छे सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा, जिनके साथ भी हम करेंगे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।